मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी मैं पेपर देकर आया और भाई मैंने देखा कि सब लोग सो रहे हैं, मतलब कि वेट है, अम्मा जी भी सो रही हैं, रॉकी भी सो रहा था, बस जस्ट व्लॉग स्टार्ट करने की आवाज़ से हो गया। और बाकी अब इसकी तबीयत एकदम सही है, एकदम तो नहीं बट एक तरीके से 70% सही हो चुकी है। बट भाई मैंने आज क्या हुआ, आया और मैं बाहर की बारी चेंज कर लिया मैंने, क्योंकि मैं जैसे आया मैंने टी शर्ट क्या था बाहर ही टांग दी थी, तो मैं बाहर वाले रूम से चेंज कर लिया। अब अंदर जाऊंगा, अभी तक अंदर ही नहीं गया, अब शायद पता चल गया, मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा ना उसकी आवाज़ से शायद पता चल गया हो। भाई आवाज़ तो आ रही है, लवी का होमवर्क करवानी है मम्मी जी, मेरे को लगा सो रहे हो सब लोग बाहर, अम्मा जी सो रही है, मुझे लगा आप भी सो रही हो क्या। काम करवा रही, बहुत सारा काम मिला कर रही नहीं है। लवी काम क्यों नहीं कर रही है, छत्री है, झूठ नहीं बोल रही मम्मी जी, झूठ नहीं बोलती, आप झूठ बोल रहे हो, गंदी बात होती है, अभी काम करना चाहिए ठीक है। अच्छा से छत्री है, बनाओ। तो भाई साहब आज इसे मिले हैं 2, 3 और 5 की टेबल्स, जो कि बहुत बहुत इजी होती हैं, लवी के लिए तो काफ़ी इजी होती हैं। क्यों लवी इजी है, टफ है? अरे सब इजी होती हैं लवी, और 1 से लेकर 10 तक मिले हैं इसे नंबर नेम्स, 3 की टेबल नहीं आती, मैं बता के करवा दूंगा। लवी ने शुरू करे हैं पहले नंबर्स नेम, लवी कह रही है टेबल मुझे इजी नहीं लगती, टेबल टफ लगती है, नंबर नेम इजी लगते हैं, तो मैंने कहा कुछ तो कर। इसने गलत कर दी 7 की स्पेलिंग, इवन लिख दिया 7 की जगह। अभी इसने सारी नंबर नेम्स तो कर लिए हैं, अब इसकी स्टार्ट होंगी टेबल्स, तो चलो अभी स्टार्ट करो टेबल्स अपनी। तो भाई साहब जैसे उबड़ खाबड़ रास्ता होता है ना, एकदम टूटा फूटी रोड, उसके जो गड्ढे होते हैं वैसी टेढ़ी मेढ़ी, ऐसी राइटिंग में लवी ने अपनी ये टेबल लिखी। हाँ लवी, हाँ वो तो दिख रहा है, बट भाई बिल्कुल जैसे उबड़ खाबड़ सड़क होती है उसकी, जैसे टेढ़ा मेढ़ा करा है इसने काम पूरा। तो भाई कहने का मतलब ये है कि इसे लर्न हो गई टेबल्स, तो अब कोई दिक्कत नहीं, लिखे तो कैसे भी बट भाई लर्न होनी चाहिए ना, एक नॉलेज होनी चाहिए, भी छोटी भी है, जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे वैसे इम्प्रूव हो जाएगी इसकी भी राइटिंग। भैया मैं, हाँ हाँ मैंने स्कूल में से ना ये किले लेके आया, फॉर्म वाली अंदर ना मिली, फॉर्म वाली कैसी वाली है, कैसी वाली है, फॉर्म वाली, फॉर्म, हाँ फॉर्म बोलते हैं, अभी आपने बोला फॉर्म, फॉर्म उन पर ना मिलने लग गई है, बहुत सारे कलर हो गई थी। तो गाइस लवी के स्कूल में एक दुकान है, उस पे से लेकर आई है ये, उन पे ना हाँ पैकेज नहीं था, उन पे ना डिब्बे पे रखी थी छोटे से, और ये देखो ना अभी ना टाइम, भाई काफी सही है ये भी चीज। और भाई साहब ये देखो, मम्मी जी को ना मेरे ओल्ड व्लॉग्स देखना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं कैसे ओल्ड व्लॉग्स देखती है मम्मी, नए नए नहीं देखती, ओल्ड देखती है। हाँ लवी क्या कर लिया दिखाओ, ओहो ये सही है भाई, इसने 2 सेकंड के अंदर नोट्स नोट कर लिख लिया, ऐसे 5 की टेबल ऐसे नोट कर ली, 3 की नोट कर ली, अब चल कर ले मैं बताता हूँ, चलो 3 2 6 9 3 3 9 3 4 12 5 0 50 हो गया, पूरा होमवर्क कम्प्लीट। हिंदी की कॉपी की ड्राइंग रह गई, ड्राइंग इसके पूरी याद रहती है ड्राइंग की, और होमवर्क की इतनी याद नहीं रहती है ना, कर ले ड्राइंग। भैया हाँ थैंक यू, आपने इतनी इतनी जल्दी काम करवा दिया आपने मेरा, और भैया हाँ मेरे स्कूल में ना मैम ने तो ना पीवीसी की बुक में भी काम करवाया। अच्छा तो होमवर्क दिया उसमें? हाँ दिया होगा, क्या करने जाती है स्कूल में, दिया होगा, दिया होगा, देख लो मम्मी जी क्या करने जाती है मुझे ये तो बताओ। तो भैया अभी अभी याद आया कि मतलब कल मैंने डाला था अपने चैनल पर एक शॉर्ट डबल रोल का, पापा और बेटे का, मतलब दोनों रोल थे ही मेरे, बट एक्टिंग मैंने करी थी इस टाइप से कुछ, और भाई एकदम मन में आया, मैंने रिंगलाइन निकाली, मैंने कहा बनाना तो पड़ेगा भाई, बनाना है तो बनाना है, तो मैंने बना लिया। और बाकी भाई उस शॉर्ट पर आप बताना, वैसे शॉर्ट्स बनाने चाहिए मुझे डबल रोल के या फिर स्टोरी बेस्ड,
तो भाई एक बारी कमेंट में जाकर जरूर से बता देना। भाई ये जो मैंने शॉट डाला इसे भी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने ब्रदर भाई जितने भी लोग हैं, अपने पापा के साथ मेनली शेयर करो। और भाई ज्यादा से ज्यादा प्यार व्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ। क्या दिक्कत आ रही है भाई, भाई का चैनल है, सपोर्ट करो ना ज्यादा से ज्यादा। तो हाँ चलो अब खाते हैं फिलहाल खाना। तो आज बने हैं दलिया और चने की चाट बनाएंगी मम्मी जी, और पराठे रखे हैं, तो मैं तो भाई चने खाऊंगा। तो भाई चलो अब चने लेकर आ गए, अब चलो चने खाते हैं फटाफट से। तो भाई साहब अभी सीन कुछ ऐसा है कि भाई आज फिलहाल अभी तो दीदी आई है, बुआ जी की, बड़ी बुआ जी की लड़की गुनगुन दीदी, और बाकी आगरा में आज लगती है भाई जनकपुरी और रामबरात, तो उसी चक्कर में आई है स्पेशल भाई रामबरात देखने। अलीगढ़ से दीदी आई है, मतलब कि भाई साहब देख लो रामबरात देखने के लिए हमने दीदी को कितनी ज़्यादा दूर से बुला लिया। और अब मेरी प्रिपरेशन वगैरह तो पूरी हो गई, अब मैं भी जाऊँगा रामबरात देखने। रामबरात में मेनली बेसिकली झांकियाँ निकलती हैं, झांकियाँ जो निकलती हैं बड़ी बड़ी निकलती हैं और रोड पर से निकलती हैं, तो उनको देखने में जो फील आता है ना अलग लेवल आता है। और जनकपुरी में मेनली जनक महल सस्ता है, तो वही देखने चलेंगे अभी थोड़ी बहुत देर में। और बाकी दीदी को चलो दीदी से मिलाते हैं आपको। भाई यहाँ पर टीचा बैठी है, ये बैठी हुई है दीदी मजे में, स्पेशली रामबरात देखने आई है दीदी हमारे साथ हैं। अब रामबरात देखने जाएंगे थोड़ी बहुत देर, पापा जी आएंगे ना तब जाएंगे, पापा जी और अम्मा जी हॉस्पिटल गए हैं, अम्मा जी को दिखाने भाई। और ये पागलपन टीचा का चलता ही रहता है, बरकरार है पागलपन। दीदी आपको इसका पागलपन कुछ कम लगा या नॉर्मल है? अभी लिमिट में है, लिमिट में है, घर में रखी जा सकती है। गजब बेइज्जती है, घर में रखी जा सकती है। अभी घर के लोगों के लिए खतरा साबित नहीं हो रही है भाई, घर के लोगों के लिए जब खतरा साबित होगा तो दीदी इसका फिर क्या करा जाए? बरेली शिफ्ट कर दिया जाए। बरेली में क्या पागल खाना है? टीचा का स्वभाव ही ऐसा है कि हर कोई उसे पागल घोषित कर देता है जो भी घर पर आता है। स्प्रिंग क्यों खा रही लवी? नहीं निकाल निकाल निकाल, स्प्रिंग खा रही है पता नहीं किस चीज की। टीचा क्या आप रियलिटी में पागल हो? नहीं मुझे तो लगता है कि आप हो भाई, मुझे तो लगता है कि टीचा पागल है। तो भाई आपका मैंने बताना, टीचा आपको पागल लगती है या फिर नहीं? वैसे मुझे तो लगती है भाई। भाई टीचा ने मम्मी जी से भी खा लिए हैं दो तीन, कान बान पर खप्पड़ चुके हैं। मम्मा किस बात पर पड़े थे ऐसे टीचा में? डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, डाइनिंग टेबल पर सब खाना खाते टीचा बैठ जाती है, बस टूटम बरकरार है भाई सब लोगों का। तो भाई मम्मी जी कर रही है अभी दाल फ्राई, और आज बने हैं दाल चावल, प्याज टमाटर डालकर मस्त दाल फ्राई हो रही है टेस्टी सी। तो भाई ये देखो टमाटर प्याज हरी मिर्च सब चीज़ डल चुकी है, प्याज तो बन भी गई और टमाटर हरी मिर्च डल चुके हैं। आज जल्दी खा लेंगे ना खाना क्योंकि रामबरात देखने जाएंगे फिर। तो दाल भी बन रही है, चावल हम तो दाल चावल खाएंगे सब लोग, ठीक है? पापा जी के लिए बना देना आप रोटी। ये लवी का क्या पागलपन चल ओए दीवार पर निशान आ जाएंगे, रख दे। तो चलो भाई जब तक खाना बन रहा है तब तक मैं भी थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ अभी लोगों के साथ, क्योंकि बहुत दिनों बाद आई है ना दीदी, और फिर कल ही चली जाएंगी आई थिंक। कल जाओगी? कल जाओगी? मैं कुछ दिन बाद सोच तो रहा था मेरे एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपके पास घूमने जाऊँगा। तो अभी भाई साहब खाना पीना चल रहा है, यहाँ खाना तो बन गया था, और मैं भाई पापा जी ने बुला लिया था अचानक से बाबा जी को लेने, तो वहाँ चला गया था अचानक कॉल आया, फटाफट चला गया पापा जी, अरे जल्दी ले, बाबा जी की तबीयत बिगड़ रही है। तो भाई मेनली बाबा जी के क्या गर्दन में दर्द हो रहा था, तो उसके लिए नेक बेल्ट ऑर्डर कर दी मैंने अभी आते ही, तो अब वो आ जाएगी 3-4 दिन में। और बाकी अब चलो खाना खाते हैं। शर्म भी नहीं आ रही होगी? मैं नहीं हूँ और खाना खा रहे हूँ, शर्म नहीं आ रही? बेशरम है ना, वी आर बेशरम। चलो भाई मैं भी लेता हूँ ना। सो प्लानिंग तो ये थी कि सब लोग एक साथ खाएंगे, बट आप लोग बैठ गए अकेले लेकर, मैं अकेला खा लेता हूँ। मम्मा मुझे दे दो अब आप खाना, दाल चावल ही दे दो मुझे कटोरी में, इसमें दे दो। तो भाई साहब अभी फिलहाल बिल्कुल रेडी हैं, दीदी भी बिल्कुल रेडी हैं, कैसा मज़े आ रहे हैं? एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा। दीदी तो हर साल लग रही हूँ एक्चुअली। अच्छा एक्चुअली बहुत ज़्यादा? हाँ कुछ ज़्यादा ही, इतनी भी ज़्यादा नहीं लग रही ज़्यादा। मम्मी जी बहुत क्यूट लग रही है भाई, तैयार हो? मामी सुंदर है, हम बनी है सुंदर, मामी ऑलरेडी। चलो अब चलते हैं रामबरात देखने, पापा जी भी आ चुके हैं, और जनकपुरी का शायद आज जाए या नहीं जाए उसका फाइनल नहीं है, बट रामबरात पक्की है तो चलो चलते हैं। चलो जल्दी जल्दी चलो भाई, पूरे दिन आज भी बारिश पड़ी है कल की तरह। चलो 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 आगे मैं बैठूंगा। Thank you.
भैया आ गए फाइनली, बट भीड़ भी काफ़ी है। उतरो सब, अरे उतर गए सब लोग, मेरा प्रैंक हो गया भाई, पोपट हो गया। चलो अब चलते हैं। आई थिंक एक झांकी चल रही है भाई, शायद आधी है, रुकी हुई है बारिश के चक्कर में शायद। दीदी सामने झांकी है क्या? मेरे हिसाब से तो आई थिंक है। चलो आगे चलकर, ओ भाई पानी भर रहा है, चलो आगे चलकर पता चल जाएगा। तो भाई अब खाटू श्याम जी की आ रही है, बस ये आ रही है। करूंगा मैं जाते में, क्योंकि भाई यहाँ पे आवाज बहुत दिक्कत हो रही है आवाज की। तो गाइस आवाज की काफी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने अब स्टार्ट करा वॉइस ओवर और बस यहाँ पर बैठ खड़े होकर आराम से इंतजार कर रहे थे झांकी का। और भाई आप सोच रहे होगे कहाँ खड़े हुए थे, तो भाई हम खड़े हुए थे हमारे ताऊ जी की दुकान पर, तो उन्हीं की दुकान पर खड़े हुए थे, मस्त आराम से वहीं पर बैठे थे। झांकी आती तो फिर बाहर आ जाते और इंतजार कर रहे थे मस्त। तो भाई बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद फाइनली झांकी आई हमारे बाबा की, और काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से आई। भाई देख ही सकते हो क्या बड़ा सा ट्रक आया साउंड का, और भाई पब्लिक इतनी ज़्यादा पागल हो चुकी है, मतलब डांस ही डांस हो रहा है। तो अब आप इंजॉय करो फटाफट। तो भाई फाइनली कुछ समय एंजॉय करने के बाद बड़े अफसोस के साथ हमें अलविदा करना पड़ रहा है बाबा को। मतलब वैसे अलविदा नहीं भाई, बाबा जा रहे हैं, झांकी जा रही है उनकी, अब आएगी नेक्स्ट झांकी, तो वो आप देखिए भाई। तो भाई फिलहाल आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था और झांकी नहीं आई थी, तो हम देखने चले गए हमारे ताऊ जी के बेटे के साथ, जो कि सामने दिख ही रहा होगा आपको, इसके साथ हम आए थे झांकी देखने की कब आएगी। तो भाई वीडियो के काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण मजबूरन मुझे इसे डिवाइड करना पड़ा दो पार्ट्स में, तो आगे जो भी हुआ आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा। कुछ ही देर में नेक्स्ट पार्ट आपको चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो हाँ ज़रूर से देखना, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।